वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। माई सेल्फ केशव बंसल एंड आज हम नॉन क्वाड्रेट्स के अंदर इकानोटर मेटा को स्टडी करेंगे। इसे हम दो वीडियो में स्टडी करेंगे। सबसे पहली वीडियो जो होगी उसके अंदर हम आज जनरल करेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन करेंगे अप टू क्लासेस तक। जो वीडियो नंबर टू होगा, वीडियो नंबर टू के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, वाटर वेस्कुलर सिस्टम या फिर कहें एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम। इसके अंदर जो इसकी सबसे पहली क्लास है एस्ट्रॉइडिया, जिसके अंदर स्टार फिशेज आती हैं, उसके अंदर हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम को स्टडी करेंगे। ठीक है, ये वीडियो नंबर टू पे होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 1, वो है जनरल करेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले। ठीक है, सो जो सारे के सारे इकानोडर्मेटा हैं वो कैसे होंगे, सारे के सारे मरीन हैं, और मरीन होने के साथ जो ओशन का पानी होगा या फिर जो समुद्र का सी का पानी है उसमें बॉटम पर रहेंगे। ठीक है, और स्लो मूविंग क्रिएचर्स होंगे। जो बॉडी है, बॉडी अभी ये वेरी करती है, बॉडी स्टार शेप भी हो सकती है, जैसे फिगर में आपको दिख रहा है जो स्टार फिशेज होती हैं, स्टार शेप बॉडी होती है। ठीक है, कुछ सिलेंड्रिकल होंगे, जैसे सी कुकुम्बर जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, सी कुकुम्बर सिलेंड्रिकल होगा, और कुछ ऐसे होंगे जैसे जो डिस्क लाइक होंगे। ठीक है, कुछ में डिस्क होंगी, डिस्क शेप होंगे, उसमें से स्पाइंस निकल रहे होंगे। ठीक है जी, अब बात करते हैं सिमेट्री की। जो इकानोडर्मेटा होते हैं उनमें लार्वल फॉर्म्स कैसी होती हैं, बायलैटरल सिमेट्रिकली, यानी अगर मैं सेंट्रल से मीडियन प्लेन से डिवाइड कर दूं तो इक्वल लेफ्ट एंड राइट हाउस में डिवाइड कर जाएंगे। ठीक है, तो ये हुई बायलैटरल सिमेट्री। और अगर मैंने क्या किया, सेंट्रल प्लेन से एक सेंट्रल एक्सिस से डिवाइड कर दिया। ठीक है, सेंट्रल एक्सिस से एक लाइन निकाल दी और फिर मैंने क्या क्या प्लेन्स में डिवाइड कर दिया, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, एक सेंट्रल एक्सिस मैंने, ये रही सेंट्रल एक्सिस निकाल दी इसकी बॉडी की तरफ से। ठीक है, सेंटर में से, तो क्या हुआ, ये सारे क्या हुए, इक्वल पार्ट्स हो गए, बिल्कुल इक्वल। ठीक है, सो इस सिमेट्री को कहते हैं रेडियल सिमेट्री। ठीक है जी, अभी कैसे होता है, ट्रिपल ब्लास्टिक होते हैं, हमें पता है आउटर एक्टोडर्म होगी, मिडल मेसोडर्म होगी और इनर मोस्ट एंडोडर्म होगी। ठीक है, और जब तीनों के ट्रिपल ब्लास्टिक होने के बाद तीन टाइप की सिचुएशंस आ सकती हैं, तो एसिलोमेट होंगी जिसके अंदर जो बॉडी कैविटी है वो प्रेजेंट नहीं होगी, सुडोसिलोमेट हो सकती है जिसके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट है बट ट्रू बॉडी कैविटी नहीं, यानी ट्रू सिलोम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, उसे हम आगे अभी स्टडी करेंगे फिगर्स के साथ। ठीक है, या फिर होगा सिलोमेट, यानी ट्रू सिलोम प्रेजेंट है, यानी जो सिलोम जो बॉडी कैविटी है वो मेसोडर्म से लाइंड है। ठीक है जी, सो ये आते हैं सिलोमेट। सबसे पहले सिलोमेट कौन से थे, एनेलिडा। ठीक है, कैनोडर्म भी कैसे हैं, सिलोमेट है, ट्रू सिलोम प्रेजेंट है। इनके अंदर कोई भी डिस्टिंक्ट हेड रीजन नहीं होगा, कि हम देख के ये नहीं कह सकते माउथ भी प्रेजेंट है, एनस भी प्रेजेंट है, यानी डायसिस जो सिस्टम होगा वो कंप्लीट है। लेकिन जैसे हमारे अंदर माउथ कहाँ पर है, हेड रीजन में प्रेजेंट है, बट इनके अंदर हेड डिस्टिंक्ट कोई हेड रीजन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है जी, फिर हम कह रहे हैं कि जो उनकी बॉडी सरफेस होगी उस पर कुछ डिफेंस पर्पज के लिए कैलिकेरियस स्पाइंस भी हो सकते हैं, पेडिसिलेरिया प्रेजेंट हो सकते हैं। अभी पेडिसिलेरिया क्या है, इस तरीके के जॉड स्ट्रक्चर होते हैं, दो जॉज भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, या फिर तीन जॉज प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये भी डिफेंस पर्पज के लिए होते हैं। जो एंडोस्केलेटन होगा वहाँ पे क्या होंगे, कैलकेरियस प्लेट्स होंगे जो डर्मल ऑसिकल्स बनाते हैं। ठीक है, फिर आता है इनका मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर, जिनकी जिस फीचर से एकानोडर्म्स की पहचान होती है। ठीक है, वो क्या है, एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम या फिर कहें वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बट थोड़ा सा मैं आपको फिर भी एक आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्या होगा, स्ट्रक्चर्स देख रहे थे थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर, ये मेड्रापोराइट है, ये क्या होता है, इसके अंदर मेड्रापोराइट होता है। मेड्रापोराइट के बाद क्या आएगा, ये स्टोन केनाल्स आएंगे। ठीक है, ये स्टोन केनाल है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, स्टोन केनाल किससे कनेक्टेड होगा, एक सेंट्रल रिंग से कनेक्टेड, सॉरी रिंग केनाल से कनेक्टेड होगा। और जो रिंग केनाल होंगी उसमें से क्या निकल रहे होंगे, रिंग केनाल में से निकल रहे होंगे रेडियल केनाल्स, रेडियल केनाल्स निकल रहे होंगे रिंग केनाल्स में से। और उन जो रेडियल केनाल्स हैं, उन रेडियल केनाल्स में से क्या निकल रहे हैं, लेटरल केनाल्स निकल रहे हैं, तो ये लेटरल केनाल्स प्रेजेंट है। ठीक है, लेटरली लेटरल केनाल्स प्रेजेंट है। अब इन लेटरल केनाल्स में से क्या होगा, ओफो फिर बनाना पड़ेगा, देखो गली गली बनाते हो, मेड्रापोराइट, ये स्टोन केनाल, स्टोन केनाल किससे है कनेक्टेड, रिंग केनाल्स, रिंग केनाल्स में से क्या निकल रहे हैं, रिंग केनाल्स में से निकल रहे हैं रेडियल केनाल्स बहुत सारे। ठीक है, हम उन रेडियल केनाल्स में से क्या निकल रहे हैं, लेटरल केनाल निकल रहे हैं। और लेटरल केनाल में क्या प्रेजेंट होगा, ये लेटरल केनाल किससे कनेक्टेड होंगे, लेटरल केनाल कनेक्टेड होंगे ट्यूब फीट से, ऐसे करके ट्यूब फीट से। ठीक है, ट्यूब फीट प्रेजेंट होंगे ऐसे करके बहुत सारे। ठीक है, ट्यूब फीट,
तो यही जो सारा सिस्टम होता है, इसे कहते हैं एम्बुलेक्रल सिस्टम या फिर वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इसमें क्या होगा, वाटर आएगा इस मेटरोपराइट से, स्टोन केनाल से जा रहा है, स्टोन केनाल से गया रिंग केनाल के अंदर, रिंग केनाल से गया, रिंग केनाल से गया किसके अंदर, रेडियल केनाल के अंदर जो रेड से डिनोटेड है, रेडियल केनाल के बाद गया येलो से डिनोटेड जो है लेटरल केनाल के अंदर, और लेटरल केनाल से किसके अंदर गया ट्यूब फीट के अंदर। तो मैंने आपको समरी दे दी जो ब्लू कलर से दिखा रखा है ट्यूब फीट, ठीक है। सो अभी जो अब इसका फंक्शन सिर्फ वाटर का फ्लो नहीं होता, इसका फंक्शन लोकोमोशन से भी होता है, ठीक है। लोकोमोशन भी करती है ट्यूब फीट की हेल्प से, कैप्चर करेंगे प्रे का और ट्रांसपोर्टेशन भी इसी से ही होगा, ठीक है। बिकॉज सर्कुलेटरी सिस्टम इसके अंदर रिड्यूस्ड होता है, तो मेन सिस्टम यही प्रेजेंट है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इससे ही पानी भी और कुछ जो कॉर्पसल्स फॉर्म होंगी वो भी इससे से ही ट्रांसपोर्ट की जाएंगी, ठीक है जी। और डाइसो ट्रैक जो होगा कंप्लीट होगा, माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होती हैं। जब हम अभी क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उसके अंदर में देखेंगे, ये भी देखेंगे कि किसी के अंदर एनस एबसेंट है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है जो डाइसो ट्रैक्ट होगा वो स्ट्रेट भी हो सकता है, फिर कॉइल्ड भी हो सकता है, क्लियर। जो रेस्पिरेशन होगा या तो वो होगा बॉडी सरफेस के थ्रू, रेस्पिरेशन या तो होगा बॉडी सरफेस के थ्रू या फिर होगा गिल्स के थ्रू। उन गिल्स को क्या कहते हैं, डर्मल ब्रैंकिए। एक हम क्लास ऐसी भी स्टडी करेंगे जिसके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो क्लोएकल ट्री के थ्रू होता है, क्लोएकल ट्री, ठीक है। सोना जनरली रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस या फिर गिल्स के थ्रू होता है, ठीक है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है, रिड्यूस्ड है, ओपन टाइप है, कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं है, ना ही कोई पंपिंग ऑर्गन जैसे हार्ट एब्सेंट होगा, ठीक है। कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम स्पेशली प्रेजेंट नहीं है। नाइट्रोजनस वेस्ट जो होगा अमोनिया होगा, और किसके थ्रू बाहर डिस्चार्ज हो रहा है, बॉडी सरफेस के थ्रू हो रहा है। नर्वस सिस्टम भी सिंपल है, कोई ब्रेन नहीं है, ठीक है। सिंपल नर्व रिंग प्रेजेंट होती है और वहाँ से क्या अराइज कर रही होती है, रेडियल नर्व्स अराइज कर रही होती है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ये कैसे होंगे, जो एकटोडर्मेट होते हैं डायोशियस होंगे, यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वे डिफरेंट इंडिविजुअल्स पर हैं, मेल अलग है फीमेल अलग है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो होती है वो एक्सटर्नल होगी, और डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट, यानी लार्वल स्टेजेस बनेंगी बहुत सारी। फ्री स्विमिंग लार्वा होते हैं, डिफरेंट क्लासेस को जब हम स्टडी करेंगे आगे तो वहाँ पे देखेंगे डिफरेंट लार्वा हैं, बायोपिनेरिया लार्वा होंगे और फिर प्लूटियस लार्वा होंगे, इस तरह से डिफरेंट लार्वा प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट क्लास के अंदर, ठीक है जी। अब ये आया इसमें क्या हम स्टडी करें कि कैनोडर्मेटा जो है ये क्या है, नॉन कॉर्डेट्स हैं। तो इन चाहे भले ही नॉन कॉर्डेट्स हैं, बट इनके अंदर कुछ कॉर्डेट्स के करेक्टर्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि एंटीरोसिलिक सिलोम प्रेजेंट होगा, मेसोडर्मल स्केलेटन प्रेजेंट होगा, और ड्यूट्रोस्टोमिक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। ये तीन चीज़ें हैं, एंटीरोसिलिक सिलोम, मेसोडर्मल स्केलेटन एंड ड्यूट्रोस्टोमिक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो पर ऐसे देख लेते हैं, जो सबसे ईजी है मेसोडर्मल स्केलेटन की, मेसोडर्म जो तीन जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, आउटर मिडल मेसोडर्म एंड इनर एंडोडर्म, मेटाप्रोब्लास्टिक तो है ही ये, ठीक है। अब मेसोडर्म से क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म होता है हमारे अंदर भी, ठीक है। तो मतलब यानी जो स्केलेटल सिस्टम वो भी किस क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये जो कॉर्डेट फीचर है एकेनोडर्म में भी ऐसी होता है, जो स्केलेटल सिस्टम होगा वो मेसोडर्म से बना होता है, ठीक है जी। अब बात करते हैं एंटीरोसिलिक सिलोम की। तो एंटीरोसिलिक सिलोम से पहले एक बार मैंने बताया था कि हम वो रिवाइज करेंगे कि ट्रिपोब्लास्टिक होने के बाद कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो फॉर एग्जाम्पल ये है हमारी ट्रिपोब्लास्टिक स्टेज है। तो ट्रिपोब्लास्टिक में तीन कंडीशन हो सकती है ना, ए सिलोमेट हो सकती है, ठीक है, सुडो सिलोमेट हो सकती है, और ट्रू सिलोम हो सकती है। तो देखते हैं क्या क्या फर्क होता है असल में। तो जो पर्पल से है वो क्या है, एक्टोडर्म है। जो पिंक से है वो क्या है, मेसोडर्म। और जो ग्रीन है वो क्या है, एंडोडर्म प्रेजेंट है, ठीक है। थोड़ा सा जैसे ये हो गया, एक एक बेटा बेट एक एक वो बना देता हूँ ना, और हाँ अब देख पर्पल से क्या प्रेजेंट है, हमने कहा एक्टोडर्म प्रेजेंट है पर्पल से, ठीक है। पिंक से क्या है, मीजोडर्म प्रेजेंट है, ठीक है। और ग्रीन से क्या है, ग्रीन से एंडोडर्म प्रेजेंट है, ठीक है जी। तो देखो ये जो है ये क्या हुआ, एसिलोमेट हुआ, ए सिलोमेट। तो इसके अंदर क्या है, एक्टोडर्म प्रेजेंट है, मीजोडर्म प्रेजेंट है और एंडोडर्म प्रेजेंट है, ठीक है। कोई भी कैविटी नहीं है, ठीक है, तो ए सिलोमेट हुआ। अब इसके अंदर क्या होगा, जो सूडो सिलोमेट होंगे, सूडो सिलोमेट के अंदर क्या होगा कि एक्टोडर्म तो प्रेजेंट है, ठीक है जी, फिर मीजोडर्म भी प्रेजेंट है, ठीक है, फिर
एक कैविटी प्रेजेंट होगी जो वाइट से डिनोटेड है, और उसके बाद क्या प्रेजेंट होगा सबसे इनरमोस्ट, एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म भी प्रेजेंट है, मीसोडर्म जो पिंक से है वो प्रेजेंट है, एंडोडर्म भी प्रेजेंट है, और बीच में कैविटी भी प्रेजेंट है। ठीक है, कैविटी प्रेजेंट है, लेकिन ये ट्रू कैविटी नहीं है, ट्रू सिलोम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों तरफ से मीसोडर्म से लाइन नहीं है। ठीक है, फिर हम आते हैं ट्रू सिलोम के अंदर। ट्रू सिलोम के अंदर, ट्रू सिलोम के अंदर ये पर्पल से एक्टोडर्म, ठीक है, फिर पिंक से मीसोडर्म, और फिर हो गया एंडोडर्म ग्रीन से। ठीक है, ग्रीन से हो गया एंडोडर्म। अब देखो तो इसमें ये क्या है, ये है एक्टोडर्म। ठीक है, ये हो गई एक्टोडर्म, पिंक से हो गई मीसोडर्म, और ग्रीन से हो गई एंडोडर्म, और कैविटी ये हो गई। ठीक है, तो कैविटी देखो इसके अंदर मीसोडर्म से लाइन है दोनों तरफ से, तो ये हो गए ट्रू सिलोम हो गए। ठीक है, अब क्या होता है, जो ट्रू सिलोम होते हैं, जो ट्रू सिलोम होंगे, ये ट्रू सिलोम जो है ये भी दो टाइप के होते हैं, तो शाइजो सिलोम या फिर एंटीरो सिलोम। ठीक है, अब क्या होता है, डेवलपमेंट के बेसिस पर बताए गए हैं कि ट्रू सिलोम तो दोनों के अंदर बनेगी, शाइजो सिलोम में भी और एंटीरो सिलोम में भी। ठीक है, शाइजो सिलोम के अंदर क्या होता है कि मिजोडर्म के पाउचेज होते हैं, ये मिजोडर्म के पाउचेस प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या कर जाते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं एंडोडर्म के अराउंड, जो एंडोडर्म है येलो से, इसके अराउंड क्या प्रेजेंट है, मिजोडर्म। ठीक है, तो ये स्प्लिट कर जाएगा, स्प्लिट करके ये कैविटी फॉर्म कर लेगा। ठीक है, कैविटी फॉर्म हो गई तो ये और आपकी ट्रू सिलोम बन गई। ठीक है, तो इस को क्या कहते हैं, इस सिलोम को शाइजो सिलोम। ठीक है, बट क्या होगा, एंटीरियो सिलोम के अंदर ये जो एंडोडर्म है, इस एंडोडर्म से ही ये आउट पाउचिंग की फॉर्म में मिजोडर्मल सेल्स बने। ठीक है, इस एंडोडर्म से ही, यहाँ पर एंडोडर्म के अराउंड नहीं प्रेजेंट है मिजोडर्म, एंडोडर्मल जो प्रिमिटिव गट है, जिसमें जो गट फॉर्म करता है एंडोडर्म, उसमें ही आउट पाउचिंग हुई, और वो पाउचेज डिटैच हो गए, डिटैच होने के बाद उन्होंने कैविटीज फॉर्म कर ली। तो इस टाइप की जब जब इस तरह से सिलोम बनती है, ट्रू सिलोम बनती है, तो उसे हम कहते हैं एंटीरो सिलोम। और ये जो एंटीरो सिलोम है ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है, ये एंटीरो सिलोम प्रेजेंट होगी इकैनोड्रमेटा के अंदर, इकैनोड्रमेटा के अंदर, कॉर्डेटा के अंदर। तो मेसोडर्मल स्केलेटन हो गया और एंटेरोसिलिक सिलोम हो गई। अब बात करते हैं ड्यूट्रोस्टोमिक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है। ये जो आपको इस फिगर के अंदर दिख रहा है, ये रीजन जो ओपनिंग है, इसे कहते हैं ब्लास्टोपोर। जब इस ब्लास्टोपोर से माउथ सबसे पहले डेवलप करेगा, एनसेस से पहले अगर माउथ डेवलप करेगा, तो हम कहेंगे प्रोटोजोम डेवलपमेंट है, प्रोटोजोमिक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। और अगर इस ब्लास्टोपोर ओपनिंग से एनसेस सबसे पहले डेवलपमेंट होता है, तो कहेंगे ड्यूट्रोस्टोमिक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। कॉर्डेटा के अंदर भी ऐसी होता है, ठीक है, और एकानोडर्मेटा के अंदर भी ऐसी होता है। ठीक है जी, या नोट्स में जो मैंने सारा बताया डिटेल्स लिखी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो इकैनोडर्मेटा है, कुछ इकैनोडर्मेटा जैसे स्टार फिश, ठीक है, उनके अंदर ग्रेट पावर ऑफ रिजनरेशन होती है। डिफेंस के टाइम पर किसी प्रिडेटर ने अटैक किया, तो उन्होंने क्या किया, अपना आर्म ब्रेक ऑफ कर लिया। अब क्या हुआ, प्रिडेटर उस ब्रेक आर्म में इंटरेस्टेड हो गया, और ये अपना वहाँ से बच के निकल गए। डिफेंस पर्पज़ में भी हेल्प हो जाती है इन्हें। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, ऑटोटॉमी। जो सी कुकम्बर्स होंगे, जब वे डरे हुए होंगे या फिर गुस्से में होंगे, एंग्री होंगे या फिर डरे हुए होंगे, तो ये क्या कहते हैं, अपने विसरल ऑर्गन्स को वॉमिट आउट कर देते हैं। ठीक है, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, इविसरेशन। क्लियर, तो यहाँ पे आपका जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं, या फिर कहें जो जनरल कहना चाहिए जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कंप्लीट हुए। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन टू क्लासेस। तो फाइव क्लासेस स्टडी करते हैं हम इसके अंदर। सबसे पहले है एस्टेरॉइडिया, नेक्स्ट है ऑफ्यूरॉइडिया, थर्ड है इकैनोइडिया, फोर्थ है हॉलोथ्यूरॉइडिया, एंड फिफ्थ है क्रेनोइडिया। ठीक है, क्रेनोइडिया। सबसे पहले एस्टेरॉइडिया, सेकेंड है ऑफ्यूरॉइडिया, थर्ड है इकैनोइडिया, फोर्थ है हॉलोथ्यूरॉइडिया, एंड फिफ्थ है क्रेनोइडिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस्टेरॉइडिया की। सो एस्टेरॉइडिया के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे, उन्हें हम जनरली किसके अंदर कैटेगराइज करते हैं, स्टार फिशेज के अंदर। ठीक है, तो जो स्टार फिशेज होंगी, ठीक है, इनके अंदर जो भी यानी ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो कैसे होंगे, स्टार फिशेज कहेंगे उन्हें कॉमनली, या फिर सी स्टार्स कहेंगे। इनकी बॉडी कैसी होती है, जैसे हमें फिगर में शो हो रहा है कि फ्लैट होगी, ठीक है, स्टार लाइक बॉडी है, और स्टार लाइक बॉडी है, और फाइव आर्म्स है, 1 2 3 4 5। ठीक है, फाइव आर्म्स हैं इनके, और थिक होंगे, शॉर्ट होंगे, जैसे हमें दिख रहा है कि ज़्यादा इलॉन्गेटेड नहीं है, लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट है और थिक है काफ़ी। ठीक है, एस्टेरॉयडा के अंदर ऐसे होता है, और ट्यूब फीट्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया था वाटर वेस्कुलर सिस्टम, तो वहाँ भी हमने देखा था ट्यूब फीट क्या होता है। यहाँ भी हमें फिगर में शो हो रहा है कि ये क्या है, ये प्रेजेंट है ट्यूब फीट, इतने सारे ट्यूब फीट प्रेजेंट है। ठीक है, इस ट्यूब फीट को हमने थोड़ा एनलार्ज किया, तो हमें दिख गया ये रहा ट्यूब फीट। ठीक है, इस ट्यूब फीट के अंदर एम्पुलर रीजन है, और ये पोडियम है।
अब यहाँ क्या होता है, कई बार हम देखेंगे कि कहीं पे ट्यूब फीट के अंदर सकर्स भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेसल सोलन पोर्शन होता है, जिसे हम सकर कहते हैं, जैसे इसके अंदर शो हो गया है स्पीकर के अंदर, ठीक है। ये हमारा ट्यूब फीट है, तो ट्यूब फीट के अंदर एम्पलर रीजन है, लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स हैं, और सबसे बेसल पोर्शन क्या है, सकर, जो सबस्ट्रेटम से अटैच करता है, अटैच होता है, ठीक है। तो इसके अंदर एस्टेरॉइडिया क्लास के अंदर जो ट्यूब फीट होंगी उनमें सकर्स प्रेजेंट होंगे, क्लियर। लार्वा, हमने कहा था डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है, तो लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट है। तो लार्वा कौन सा है, बाइपेनेरे लार्वा या फिर ब्रैक्यूलेरिया, एनस और मेड्रापोराइट एबोरल होंगे। अब इसकी ये बात समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी स्टारफिश है, ठीक है। सो इसमें एक होगी एबोरल सरफेस, ठीक है, जो माउथ से दूर होगी, एक होगी ओरल सरफेस, वहाँ पर माउथ प्रेजेंट होगा। तो माउथ है तो ये वाली सरफेस होगी ओरल सरफेस, इसी ओरल सरफेस पर एम्बुलेक्रल ग्रूव प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और ठीक है, और हमने कहा एबोरल सरफेस पर क्या प्रेजेंट है, इस एबोरल सरफेस पर मेड्रापोराइट प्रेजेंट है, ठीक है। ये रहा मेड्रापोराइट और ये रहा एनस, सो ये एबोरल सरफेस पर प्रेजेंट है। किसी क्लास के अंदर मेड्रापोराइट और माउथ सेम पर होंगे तो ओरल होंगे, ठीक है। और एक किसी क्लास के अंदर आपको माउथ और एनस दोनों ही ओरल सरफेस पर मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे, क्लियर। सो इसके अंदर माउथ और मेड्रापोराइट और जो एनएस है वो एबोरल सरफेस पर प्रेजेंट है। साथ में पेडिसिलेरिया भी प्रेजेंट होंगे, जो मैंने आपको बताया था डिफेंस के लिए होते हैं, जॉ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जॉ लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और एम्बिलेक्ट्रल ग्रूव जो होंगे ओरली ओरल सरफेस पर प्रेजेंट है, एबोरल में नहीं दिख रहे, ठीक है। एग्जाम्पल हुआ एस्टेरियस यानी स्टार फिश, क्लियर। नेक्स्ट क्लास में आते हैं वो है ऑफिरोइडिया। इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उन्हें हम कॉमनली क्या कहते हैं, ब्रिटल स्टार्स कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, ब्रिटल स्टार्स कहते हैं। इनकी जो बॉडी होगी वो फ्लैट होगी, फ्लैट बॉडी वही है, स्टार लाइक दिख रही है हमें, सही बात है, ठीक है। लेकिन इस बार जो आर्म्स होंगे वे कैसे होंगे, थिन है, देखो बड़े ही थिन आर्म्स हैं और लॉन्ग आर्म्स हैं, काफ़ी लंबे होंगे, ठीक है। जबकि जो एस्टेरॉयडिया के अंदर थे वे थिक थे और शॉर्ट आर्म्स थे, ऑफिरोइडिया के अंदर जो आर्म्स होंगे थिन होंगे, लॉन्ग होंगे, और इसलिए कहीं ना कहीं ईजिली ब्रेकेबल भी होंगे, ठीक है जी। पेडिसिलेरिया यहाँ पे एबसेंट होंगे, जो हमने बताया था डिफेंस के लिए, जॉ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऐसे होते हैं, अगर आपको देखना है फिगर के अंदर, ये छोटे छोटे से प्रेजेंट हैं, ठीक है। हमने इन्हें एनलार्ज किया तो ये जॉ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, पेडिसिलेरिया, ठीक है। सो ये किसके अंदर एबसेंट होते हैं, ऑफिरोडिया क्लास के अंदर एबसेंट होंगे, कोई भी एनस नहीं है, देखो। तभी यहाँ पे जो मेड्रापोराइट है वो ओरल सरफेस पर है, ये मेड्रापोराइट रीजन हुआ यहाँ पे, और ये क्या है, माउथ रीजन। तो जो जहाँ पर माउथ होगा वो ओरल सरफेस हुई, ठीक है, वहाँ पे मेड्रापोराइट भी ओरल हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो और कोई एनएस ही नहीं है, जबकि जो एस्टेरॉयड क्लास थी वहाँ पे मेड्रापोराइट और एनएस दोनों एबोरल सरफेस पर थे, ठीक है। माउथ यहाँ पे नीचे वाली था, ओरल सरफेस पर, ये वाली सरफेस है जो ये हमें दिख रही है ऊपर, ये एबोरल सरफेस। तो यहाँ पर एनएस भी है और मेड्रापोराइट भी है, ये रहा मेड्रापोराइट, ठीक है। सो थोड़े थोड़े से डिफरेंट फीचर्स हैं डिफरेंट क्लासेस के अंदर, ध्यान रखना। जो ट्यूब फीट है यहाँ पे ट्यूब फीट होगी, लेकिन कोई सकर्स नहीं है ट्यूब फीट के अंदर। एम्बुलेक्रल ग्रूव या तो प्रेजेंट होंगे तो कवर्ड होंगे बाय ऑसिकल्स, या फिर एब्सेंट ही होंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें दिख नहीं रहे, जबकि वहाँ पे ओरल सरफेस पर हमें एम्बुलेक्रल ग्रूव अच्छे से दिख रहे थे, है ना। ये एम्बुलेक्रल ग्रूव हमें अच्छे से दिख रहे हैं ओरल सर्फेस पर, बट यहाँ पर या तो एबसेंट होंगे ऑफिरोइडिया क्लास के अंदर, या फिर कवर्ड हैं ऑसिकल्स से। लार्वल फॉर्म्स को क्या कहेंगे, ऑफियो प्लूटियस कहेंगे, जबकि एग्जाम्पल कौन सा हुआ, ऑफ्यूरा और ऑफियोथ्रिक्स, और कॉमनली सबको ब्रिटल स्टार कह देते हैं ना। नेक्स्ट क्लास आती है इकाइनोइडिया। जो इकाइनोइडिया है उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे उन्हें कॉमनली क्या कहेंगे, सी ऑर्किन, ठीक है। अब हमने कहा था बॉडी डिफरेंट टाइप्स की होती है, स्टार शेप्ड भी हो सकती है और डिस्क लाइक भी हो सकती है ना, और इनमें इवन सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, जैसे हम आगे अभी क्लास में देखेंगे। तो इसमें जो बॉडी है वो डिस्क लाइक बॉडी है, जिसमें आर्म्स तो प्रेजेंट नहीं है, डिस्क लाइक बॉडी है, इसमें आर्म्स तो प्रेजेंट नहीं है, बट बहुत सारी स्पाइंस प्रेजेंट हैं, ठीक है। बहुत सारे स्पाइंस प्रेजेंट है, हमें दिख रहा है, ये उसकी ओरल सरफेस है, ये एबोरल सरफेस है, ठीक है। अब इसकी ओरल सरफेस पर क्या प्रेजेंट होगा, जहाँ पे माउथ होगा वहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, जिसे हम कहेंगे एरिस्टोटल लेंट्रन। ये क्या है, एक मस्टिकेटिंग एपरेटस है, जिसके अंदर 5 टीथ होंगे, चबाने के लिए एक एपरेटस है माउथ में, एरिस्टोटल लेंट्रन। अगर जैसे फिगर ये वाली इसके अंदर भी दिख रहा है, ये माउथ है यहाँ पर, ये एरिस्टोटल लेंट्रन है, ये टीथ हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 टीथ हो गए हमारे इसके, ठीक है। सो एरिस्टोटल लेंट्रन है, स्पाइंस प्रेजेंट है, तो स्पाइंस तो है ही प्रेजेंट इसमें, ठीक है। और साथ में पेडिसिलेरिया फिगर के अंदर शो नहीं किए हैं, बट प्रेजेंट है, बहुत छोटे हमने भी देखा। और इस बार क्या होंगे, 3 जॉड पेडिसिलेरिया प्रेजेंट होंगे। हमने अब तक कैसे देखा, फिगर के अंदर दो जॉज प्रेजेंट थे उसके अंदर, बट 3 जॉज प्रेजेंट होंगे किसके अंदर, जो इकाइनोइडिया क्लास होगी, ठीक है जी। एम्बिलेक्रल ग्रूव्स यहाँ पर ऑसिकल से कवर्ड होंगे, सो हमें कहीं भी दिख नहीं रहे हैं, ना ओरल सर्फेस पर, ना सबोरल, ना एबोरल सर्फेस पर।
ट्यूब फीट इस बार प्रेजेंट होगी, मतलब प्रेजेंट ट्यूब फीट तो प्रेजेंट है ही बट सकर्स के साथ प्रेजेंट है इस बार, ठीक है। लार्वल फॉर्म्स को क्या कहेंगे, इकाइनो लूटियस कहेंगे, एग्जाम्पल इकाइनस यानी सी ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आती है होलोथीरोडिया, इन्हें इनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, कॉमनली सी कुकुम्बर्स कहते हैं। तो ये दिख रहा है सिलेंड्रिकल है और सी कुकुम्बर खीरे जैसा होता है, ठीक है। लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, कुकुम्बर लाइक है, कोई भी आर्म्स नहीं दिख रहे हमें, इवन कोई स्पाइंस भी प्रेजेंट नहीं है इस पर, सॉरी, ठीक है। जो माउथ होगा, माउथ, ये जो माउथ रीजन है, ये जो माउथ रीजन है ये किससे, जो माउथ रीजन है ये किससे सराउंडेड है, ये माउथ रीजन सराउंडेड है इन टेंटिकल्स से, है ना, जो टेंटिकल्स है इससे माउथ रीजन रीजन सराउंडेड है, ठीक है जी। एम्बिलिकल ग्रूव्स हमें कहीं भी नहीं दिख रहे, ठीक है। तो एम्बिलिकल ग्रूव्स कैसे, कंसील्ड है यानी छुपे हुए हैं। ट्यूब फीट जो होगी उस वो किसके साथ होंगे, सकर्स के साथ होंगे ट्यूब फीट्स, ठीक है। ट्यूब फीट्स दिख रही हैं, सकर्स इसलिए दिख रहे बिकॉज बहुत छोटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। रेस्पिरेशन, अब इसके अंदर देखो रेस्पिरेशन किससे होता है, रेस्पिरेशन होता है इनके अंदर क्लोएकल ट्री से। अब तक हमने कहा कि बॉडी सरफेस से हो रहा है या फिर गिल्स के थ्रू हो रहा है, गिल्स को हम कह रहे हैं डर्मल ब्रैंकिया, ठीक है। बट क्लोएकल ट्री क्या है, क्लोएकल ट्री जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है, इसे हम एनाटोमी देख रहे हैं इसकी, तो क्लोएका प्रेजेंट है, क्लोएका से क्या निकला, क्लोएकल ट्री, ये जो येलो कलर से बता रखा है, रेस्पिरेटरी ट्री कह सकते, ट्री कह सकते हैं फिर क्लोएकल ट्री। तो इकाइनोडिया क्लास के अंदर, सॉरी बोलो, होलोथीरोडिया क्लास के अंदर रेस्पिरेशन किससे हो रहा है, क्लोएकल ट्री से हो रहा है। लार्वल फॉर्म्स क्या है, ऑरिकुलेरिया, लार्वा क्या कहते हैं, ऑरिकुलेरिया। एग्जाम्पल हुए इसके क्यूक्यूमेरिया, सिकुकुम्बर तो सबको ही कहेंगे, या फिर होलोथीरिया, ठीक है। जो लास्ट क्लास है वो हम है क्रैनोइडिया। अब देखो जो अब तक हमने क्लासेस पढ़ी हैं, 4 क्लासेस इससे पहले, वो सब एनिमल लाइक हैं, ठीक है। वे सारी एनिमल लाइक हैं, अपना फ्री लोकोमोशन शो कर सकते हैं, बट ये कैसी है, प्लांट लाइक है, तो फिक्स्ड होगी बाया स्टॉक, स्टॉक से फिक्स्ड होगी, ठीक है। कोई और, ठीक है, और जो आर्म्स हैं, जो आर्म्स निकल रहे हैं इसमें से इतने सारे, ये कैसे हैं, ब्रांज्ड है ना, ब्रांज्ड आर्म्स हैं। आर्म्स में से क्या निकल रहा होगा, पैन्यूल्स निकल रहे हैं। जो आर्म्स हैं, लेट ये आर्म मैंने ड्रॉ किया इनलार्ज करके एक आर्म को, ठीक है, इसमें से क्या निकल रहे होंगे, ये पैन्यूल्स निकल रहे हैं, इसमें से पैन्यूल्स निकल रहे हैं, ठीक है जी। और जो पैन्यूल्स निकल रहे होंगे इसमें से क्या होंगे, ट्यूब फीट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये इतना दी छोटा शो नहीं किया इन्होंने, बट ऐसे ट्यूब फीट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सो माउथ और एनस ओरल सरफेस पर है, ठीक है। देखो इवन माउथ और एनस एक ही जगह पर है इस बार, माउथ जहाँ पे होगा तो ओरल सरफेस हुई, ये इसकी ओरल सरफेस है, ओरल सरफेस है इसकी, ठीक है। और एनस भी है, देखो एनस भी प्रेजेंट है, एक ही सरफेस पर प्रेजेंट है, और माउथ जहाँ पे तो ओरल हुई। सो माउथ और एनस ओरल सरफेस पर प्रेजेंट होंगे, आर्म्स विद पिन्यूल्स, और जो पिन्यूल्स पर ट्यूब फीट प्रेजेंट होंगी, दे आर विदाउट सकर, सकर्स प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है जी, सकर्स प्रेजेंट नहीं होंगे। और जो माउथ होगा इट इज़ विदाउट, सॉरी, जो बॉडी है वहाँ पे कोई स्पाइन नहीं है, ना कोई पेडिसिलेरिया है, ठीक है। तो कोई स्पाइन और पेडिसिलेरिया नहीं होंगे, ना ही कोई मेड्रापोराइट प्रेजेंट है, कोई मेड्रापोराइट प्रेजेंट नहीं है। लार्वल स्टेज को क्या कहेंगे, डॉलियोलेरिया, लार्वल स्टेज भी डॉलियोलेरिया, और एग्जाम्पल हुआ एंटेडॉन, कॉमनली तो जो भी ऑर्गेनिज्म रहेंगे सिलीलीज कहते ही हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो जनरल करेक्टरिस्टिक है और क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासेस है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम एम्बुलेटरल सिस्टम पढ़ेंगे, किसके अंदर, एस्टेरॉइडिया क्लास के अंदर, स्टार फिशेस के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारी वीडियोज़ हमें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके, एंड प्लीज़ डोनेट करें, ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ, जिससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, एंड इस वर्ल्ड में एक डिफरेंस क्रिएट होगा। मैं जो नोबल सर्विस है बहुत बेटर वे में प्रोवाइड कर पाऊंगा, बेटर बुक्स, टैक और डिवाइसेस बाय कर पाऊंगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।